तो आप लोग का स्वागत है मेरे कौन नए ब्लॉग में। तो अभी मैं खड़ा हूँ शाला स्टेशन के बहुत ही करीब में, शाला स्टेशन के बाजू में, और आप देख सकते हो सामने एक बहुत ही अच्छा लंच थाली का दुकान दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारा वैरायटीज़ है। ऊपर आप मेन्यू देख सकते हो कितना कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत सारा आइटम है इनके पास। तो अभी जाके भैया से बात करते हैं क्या क्या आइटम है और क्या 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 चीज़ है, क्या क्या प्राइस है, तो भैया से बात करते हैं आपको दिखाते हैं। शाला स्टेशन के एकदम पास में 2-3 मिनट का रास्ता है, तो अभी देखते हैं भैया से बात करते हैं क्या क्या इनके पास है। वहाँ पे देखो तंदूर भी लगा हुआ है रोटी वगैरह के लिए, तो देखते हैं रोटी वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। सामने पराठा दिख रहा है, सब्जी भी बहुत सारा दिख रहा है, सामने चिकन चाप का एक ये दिख रहा है, सब चिकन चाप दिख रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं सब कुछ कि क्या क्या है इनके पास, क्या क्या आइटम है आपके पास। 34 आइटम है वेज नॉन वेज मिला के। क्या क्या है? 10 टका पीस। राजमा पनीर, ये तड़का है, देखो चावल काबली चना है ये। अच्छा, ये चिकन चाप है। क्या प्राइस रहता है सबका? पहले दाम देखोगे ना, पहले बड़ा साफ मिलेगा। पहले बोल दीजिए सब। ये देखिए मिक्स वेज पनीर है, ये मिक्स सब्जी है, ये अंडा कारी है, ये बटर मसाला पनीर है, ये अंडा तड़का है, ये मटन है, मटन कसा, चिकन भरता है, देखो, ये आलू दम है, चिकन कसा है, ये बटर पनीर है, हाँ। इसका कितना प्राइस है राजमा पनीर का? ये राजमा पनीर है 35 रुपये, ये तड़का है 30, मतलब ऐसा खाने के लिए यहाँ पे खाने के लिए। अच्छा, ये आपको चना आ जाएगा 30 रुपये, ये मिक्स वेज पनीर आ जाएगा आपको 35 रुपये, ये आपको मिक्स सब्जी आएगा 30 रुपये, ये अंडा करी आ जाएगा 20 रुपये, बटर मसाला पनीर 40 रुपया है, अंडा तड़का 35 रुपया है, मटन आपको 65 रुपया पीस आ जाएगा, ये चिकन भरता 60 रुपया है, ठीक है, ये आलू दम 20 रुपया आएगा, ये चिकन कासा 2 पीस 60 रुपया आएगा, ये बटर पनीर आएगा 40 रुपया, और चिकन चाप, अच्छा, और रोटी में क्या क्या है? रोटी में तंदूरी रोटी होगा, रुमाली रोटी होगा, लच्छा पाउडर। क्या प्राइस रहता है? रुमाली 8 रुपया है, तंदूरी 10 रुपया है, लच्छा पाउडर 10 रुपया। अच्छा, और बिरयानी भी आपके पास? जी हाँ, बिरयानी भी है। क्या प्राइस रहता है बिरयानी का? 90 रुपया है, मटन 140 रुपया है, एक बिरयानी 70 रुपया, आलू बिरयानी 60 रुपया। बस आपको एक बार लोकेशन बता दीजिए भैया जी, लोकेशन बता दीजिए एक बार, जगह कहाँ? रोड डीम पट्टी लू छाया स्टोर के सामने। हम लोग अपनी थाली ले चुके हैं, इसमें से एक पीस रोटी लिया, रुमाली रोटी, इनके पास पराठा वगैरह भी, तो रोटी को हम लोग पराठा आपको टेस्ट बताएंगे, पराठा का टेस्ट कैसे है। एक पीस रुमाली रोटी लिए, राजमा पनीर बहुत ही एक नया आइटम मेरे को दिखा, राजमा पनीर वो एक ले लिए, और एक चिकन चाप लिए, एक वेज और एक नॉन वेज लिए, जिसका वेज में वेज का प्राइस है 35 रुपये, और ये चिकन चाप का जो प्राइस है वो 65 रुपये, और चिकन का बिल्कुल साइज़ देख लो, लेग पीस लिए बहुत ही अच्छा साइज़, और ग्रेवी का कलर भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको एक बार टेस्ट करके आपको बता दें कि सर टेस्ट कैसा है। आपको 30-35 रुपये में यहाँ पर आराम से आपको कोई भी वेज आइटम मिल जाएगा, 30-35 रुपये 20 रुपये में मिल जाएगा, आलू दम वगैरह 20 रुपये का, ये तड़का वगैरह 30 रुपये का, ये आप आराम से वेज आइटम भी खा सकते हो रोटी के साथ, तो बहुत ही सस्ता है थाली, तो इसको टेस्ट करते हो, एकदम शाला स्टेशन के पास में है, तो इसको एक बार टेस्ट करके आपको टेस्ट बताते हैं।
छोटी मोटी सेना तो इनका जो राजमा पनीर बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, रोटी के साथ जो ग्रेवी है बहुत अच्छा है, मसालेदार मतलब बहुत झाल नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। सब्जी जैसे बनता है वैसे ही राजमा का उसमें पनीर दे हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनका जो चिकन चाप है वो एक नंबर है भाई, एकदम मीठा मीठा लग रहा है, ग्रेवी बहुत ही अच्छा लग रहा है, चिकन एकदम अच्छा तरीके से बहुत सॉफ्ट अच्छा तरीके से पका हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। तो एक पीस पराठा लेंगे आपको, पराठा का टेस्ट बन रहा है लच्छा पराठा के साथ कैसा लगता है, ऐसे इनका राजमा पनीर जो है वो रोटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा और जो पराठा है वो चिकन चाप के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको डिपेंड आप क्या खाओगे, ऐसे इस टेस्ट वाइज दोनों ही बहुत ही अच्छा है, सब्जी भी बहुत अच्छा है और चिकन चाप भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही एकदम टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में। तो इसको एक बार इस पराठा लेते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। तो वैसे एक बार इनका पराठा के साथ चिकन चाप ट्राई करते हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है पराठा के साथ चिकन चाप बहुत ही अच्छा होगा। पराठा गर्म है और पराठा का दाम 10 रुपया, देखो लच्छा पराठा और गर्म पराठा है, तो इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। पराठा भी बहुत अच्छा है, पराठा के साथ चिकन चाप बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत टेस्टी। इनका बहुत सारा आइटम ऐसे मटन भी है, चिकन कसा भी है, बहुत कुछ है, अंडा भी है, तो बहुत कुछ आप वो सभी नॉन वेज में ट्राई कर सकते हो, बिरयानी भी है और वेज में भी बहुत सारा आइटम है, टोटल 34 आइटम है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, थाली के हिसाब से बहुत ही अच्छा आइटम। साला सेन के पास में, साला सेन से 5 मिनट नहीं लगेगा ये जगह, आपको अगर कभी खाना है यहाँ पे आके जरूर ट्राई कर सकते हो, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ बाद में इस वीडियो के बाद। तो ये खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आया खाने में। दुकान का टाइमिंग क्या रहता है आपका? 8 से लेकर 11 बजे हर दिन खुला रहता है, संडे को भी। अच्छा खासा भीड़ इनका शॉप में, आप देख लो वहाँ पे बैठने का जगह है, बैठ के आराम से खा सकते हो। यहाँ पे ये देते हैं वहाँ पे 4-5 चेयर लगा हुआ है बैठ के खाने के लिए, आराम से खा सकते हो, इंसान बैठ के खा रहा है और सब कुछ अच्छे। इनके पास वेज में बहुत 34+ आइटम इनके पास, तो बहुत आइटम होता है, वेज नॉनवेज सब कुछ है इनके पास, देख सकते हो। और हर दिन खुला रहता है सबसे अच्छा बात, और एकदम भीड़ भाड़ वाला एरिया है, एकदम भीड़ भाड़ वाला, आप देख सकते हो कितना लोग यहाँ से आवाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रस्ता है, साला से इनके एकदम बाजू में सब साला के आदमी वाला है। यहाँ पे आके अगर आपको अभी लंच ट्राई करने का मन किया, ब्रेकफास्ट ट्राई करने का मन किया, शाम को रात को खाने का मन कर रहा है, आप यहाँ पे आके इनका खाना जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। जो लोकेशन है देखो, ये साला स्टोर एकदम करीब में, साला का जो न्यू छाया स्टोर सब देख सकते हो ऊपर, ठीक उसको ऑपोजिट में ये वाला शॉप है, आप देख लो ऐसा कुछ शॉप देखते हैं, छोटा सा एक स्टॉल है, सामने तंदूर रखा हुआ है, यहाँ पे देख लो सामने ऐसा कुछ स्टॉप है। तो एकदम साला स्टोर के एकदम बाजू में 2-3 मिनट लगेगा, और इसका मतलब क्या बोलते हैं, हर दिन खुला रहता है, पूरा मंडे टू संडे हर दिन खुला रहता है, किसी भी टाइम सुबह 8 बजे से खुल जाता है, रात तक 10-11 बजे तक चलता है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। और लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।